नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लाई हूँ आपके लिए पाई नेटवर्क के बढ़िया बढ़िया अपडेट, जो आप लोगों ने पहले ही सोचा है, देखा होगा कि जो पाई नेटवर्क के मैं वीडियो बना रहा था पहले से ही। तो आज जाके पास ये जो पाई नेटवर्क का जर्नी है, आज पूरा 14 तारीख को 5 साल पूरा होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस 5 साल पूरे होने पर पाई कोर की कोर टीम के तरफ से क्या क्या खबरें निकल के आए हैं। मैं वही खबरें आप लोगों को डिटेल्स में देने आया हूँ। तो वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक फॉलो करिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाहर स्टूडियो मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मेरे असम के रहने वाले या असम के बाहर जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अगर केवाईसी के बारे में आप लोगों को कुछ जानना है, अगर केवाईसी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो पाई नेटवर्क के केवाईसी है उनका मैं पूरा समाधान आप लोगों को दे पाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, अगर हो सके तो मैं वीडियो कॉल भी लेना चाहूँगा आप लोगों का। अगर आप लोगों ने केवाईसी पूरी नहीं की है, अगर कोई समस्या आप लोगों को है केवाईसी के अंदर, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के स्क्रीन पे दिया जाएगा, तब आप लोगों का मैं सोल्यूशन आप लोगों को दे पाऊँगा। दोस्तों आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पाई नेटवर्क के जो पाई डे है, 24 जो 14 तारीख को पाई का डे बनाया गया है पूरी वर्ल्ड में, जो चाइना से लेकर फिलीपींस तक और अमेरिका से लेकर लंदन तक, जो पाई के 14 तारीख को 5 साल पूरी होने पर एनिवर्सरी मनाया गया है, उसी 5 साल पूरी होने पर जो खुशी मतलब पाई के ओनर को हुआ है, उतनी खुशी हम लोगों को भी हुआ है। जो पाई नेटवर्क के इस 5 साल के जर्नी में क्या क्या मतलब पाई को मिला और इसके द्वारा जो पाई माइनर है उन लोगों को क्या क्या संदेश आए हैं, उन्हीं संदेशों के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जो हर कोई लोग पाई माइनिंग कर रहा था और जो लोग पाई माइनिंग नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो को अच्छे लगे तो पूरा वीडियो देखेंगे और स्किप मत करिएगा, ताकि आपको पूरा बात समझ में आए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं पाई नेटवर्क के बारे में अपडेट। तो जो पाई का फाउंडर है निकोलस कुकलेस, जो 14 तारीख को जो उन्होंने बोला है कि पाई के बारे में जो लॉन्च होने वाले हैं 2024 साल में ही लॉन्च होने वाला है पाई का जो मेन माइनेट, और जो माइग्रेशन कंप्लीट होने वाला है, जो आप लोगों ने भी बहुत दिन से माइन कर रहे थे पाई नेटवर्क को, तो आप लोगों को भी जानकर खुशी होगी कि निकोलस कुकलेस ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो भी चाहते हैं कि 2024 में पाई का माइनिंग हो। मैं आप लोगों को निकोलस कुकलेस की जो वीडियो है मैं स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, जो उन्होंने लाइव आके सारे देशवासियों को, वर्ल्ड के जितने भी देश के लोग जो पाई को माइन कर रहे थे उन लोगों को भी कहा है, और आप लोगों को भी सुनिए जो निकोलस कुकलेस ने क्या कहा है। मैं आप लोगों को उन्हीं बातों को मैं अपनी जो आप लोगों ने पाए पिछले 5 सालों से पाई का माइनिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा और धैर्य रखना होगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि आने वाले दिनों में कब पाई का लॉन्चिंग हो। खुद जो पाई का को फाउंडर है निकोलस कुकलेस ने कहा है कि 2024 में ही पाई का लॉन्च होने की आशंका है। उसके अलावा उन्होंने 3 जो ऑप्शन बताए हैं, जो 3 कंडीशन बताए हैं, जो पाई का लॉन्च होने से पहले कंडीशन को पूरा करना होगा। पहला कंडीशन था आप लोगों को जो आप लोगों ने पहले ही सोचा सुना होगा कि जो केवाईसी के बारे में कहा गया था, उससे पहले देखिए जो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाई का डाउनलोडिंग है प्ले स्टोर में, वहाँ पर देखिएगा कम से कम 55 मिलियन तक डाउनलोड है पाई का, लेकिन जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उन लोगों ने सभी ने केवाईसी नहीं किए हैं। इसीलिए जो निकोलस कुकलेस जी ने कहा है कम से कम 15 मिलियन लोगों का केवाईसी होने पर, 15 मिलियन लोगों का केवाईसी कंप्लीट होने पर ही वो
पाई का जो माइनेट है ओपन माइनेट शुरू करेंगे। इसके अलावा अभी तक 9.5 मिलियन लोगों का KYC कंप्लीट हुआ है, और फिर उन्होंने कहा कि 2024 में अगर 10 मिलियन लोग भी को पाई का KYC कंप्लीट कर लेते हैं तो पाई की लॉन्च होने का आशंका 2024 में की जा सकती है। अगर आप लोगों ने KYC नहीं किए हैं तो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जहाँ से भी हो, इंडिया के हो, असम से असम के असम राज्य के हो, इंडिया के बाहर के भी हो, जल्द से जल्द KYC आप लोगों का सबमिट कर दीजिए। जो पाई ब्राउजर में जाके आप लोगों को KYC सबमिट करना है अपना, तो जल्द से जल्द जितना भी लोग जल्द से जल्द KYC कंप्लीट करेंगे उतने ही जल्दी हम लोगों को जो पाई का ओपन माइनेट है उसको देखने को मिलेगा। तो आप लोग देरी मत करिए, जितने भी लोग पाई माइनिंग कर रहे हैं, पाई का जो माइन कर रहे हैं इतने दिनों से, 5 साल से, 4 साल से, 2 साल से, जितने भी लोग ज्वाइन हुआ है, तो उन लोगों से मुझे गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द KYC करिए अपना। जब तक KYC 10 मिलियन पूरी नहीं होगी तब जो पाई का ओपन माइनेट है वो आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। जो जो खुद को पाई के जो को फाउंडर हैं निकोलस कोकलेस ने खुद एक न्यूज़ में आके कहा है कि जो जब तक 10 मिलियन पूरा नहीं होगा KYC तब तक पाई को आप ओपन माइनेट में नहीं दे सकते। और इसके अलावा और भी है जो 100 एप्स हैं, 100 एप्स बनाने को बोला है जो पाई के बाजार में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ई कॉमर्स से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन लोगों को आप लोगों को इस पाई के बाजार में देखने को मिलेगा। पाई बाजार में तो कम से कम 50 तक अभी तक सबमिट हो गया है एप्स जो पाई के पाई बाजार में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 50 जो ऐप डेवलप करना है उसके बाद शायद 2024 में ही हो सकता है पाई लॉन्च हो जाए, ओपन माइनेट लॉन्च हो जाए। लेकिन आप लोगों को जल्द से जल्द KYC कराना है। KYC के बिना आप लोग जब जब भी पाई माइनेट ओपन लॉन्च हो जाएगा तब आप लोगों का इसका यूज़ कर पाएंगे। मैं पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब तक KYC कंप्लीट नहीं होगी तब तक जो ओपन माइनेट है वो नहीं आएगा। फिर भी मैं आप लोगों को जो निकोलस कुकलस ने एक न्यूज़ रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने खुद कहा है कि जब तक 10 मिलियन पूरा नहीं होगा तब तक ओपन माइनेट नहीं आ सकता। उसके अलावा 2-3 शर्तें और भी हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो जो पाई के माइनर हैं उन लोगों ने तो समझ गया कि KYC करना है, नहीं तो आपको जितने भी पॉइंट आप लोगों ने अभी तक माइनिंग किए हैं उन लोगों का कोई मतलब मूल्य नहीं रहेगा। इसके लिए आप लोगों को जल्द से जल्द KYC करना पड़ेगा। आप लोग KYC कराएंगे तभी आपका पॉइंट जो माइनिंग किया हुआ पॉइंट्स हैं वही आपके माइग्रेशन पे आके आपको आपके काम आएंगे, आप लोगों को उसके यूज़ में ला सकेंगे। नहीं तो KYC के बिना जितने भी पॉइंट हैं आप लोगों को हो सकता है कभी अगर KYC आप लोगों ने नहीं किए हैं तो उन लोगों का कोई अर्थ, उन पॉइंट जो पॉइंट आप लोगों ने माइन किए हैं उन पॉइंट का कोई दाम कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसको वैल्यूएबल रखने के लिए आप लोगों को KYC करवाना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को जो जब भी KYC ओपन माइनेट मतलब पाइनियर ओपन माइनेट लॉन्च हो जाएगा तब आप लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो आप लोग KYC नहीं करेंगे तो इसका लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। कारण लेकिन KYC मैंडेटरी है, KYC जरूर कराना है आप लोगों को। अगर KYC नहीं कराएंगे तो आप लोग इसका यूज़ नहीं ला सकेंगे। तो जल्द से जल्द KYC शुरू करिए और इसको जितनी हो सके जल्दी 2024 तक 10 मिलियन का जो टारगेट दिया है उन टारगेट को आप लोग पूरा पूरा करिए, तभी आप लोगों को जो ओपन माइनेट है जल्द से जल्द आप लोगों को सामने आएंगे। अगर कोई भी जो मेरे असम के रहने वाले या असम के बाहर जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अगर KYC के बारे में आप लोगों को कुछ जानना है, अगर KYC में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जो पाई नेटवर्क के KYC है उनका मैं पूरा समाधान आप लोगों को देना चाहूँ दे पाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, अगर हो सके तो मैं वीडियो कॉल भी लेना चाहूँगा आप लोगों का। अगर आप लोगों ने KYC पूरी नहीं की है, अगर कोई समस्या आप लोगों को है KYC के अंदर
तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के स्क्रीन पे दिया जाएगा, तब आप लोगों का मैं सोल्यूशन आप लोगों को दे पाऊँगा। हाँ दोस्तों, आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरा शेयर करिए और आगे तक भेजिए, जब आप दूसरा लोग भी देख पाएंगे ये वीडियो और केवाईसी के जल्द से जल्द केवाईसी कर पाएंगे। तो आप लोग मेरा वीडियो को पूरा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करिएगा जो फेसबुक पे देख रहे हैं। अगर कोई यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाहर स्टूडियो मेरा यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों, आप लोग आगे इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।